दोस्तों ये मेरे पास बहुत सारे डब्बे जो है कलेक्ट हो जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे मैंने इनको कट कर लिया है और ब्लैक कलर में इसको कलर किया है। तो चलिए इस पे कुछ डिजाइनिंग करते हैं। मैंने ये ब्रश को गोल्डन कलर में डुबाया है और मैं इसके नीचे में सिंपली ऐसे ऐसे करते जाऊंगी। देख रहे हैं ये हमारा हो गया बहुत ही इजी वे में। अभी मैं चाकू के हेल्प से देख रहे हैं इस पे एक लीव बनाई हूँ और ऐसे बस प्लस के जैसा एक निशान बना दी हूँ और ऐसे आड़ा टेढ़ा सब तरफ इसको ट्रेस कर लेंगे तो फ्लावर्स बन जाएंगे। अभी जो ऐसे लकड़ी में कॉटन लगा के हमने बनाया उससे एक ऐसे सिंपली इसके अंदर में ऐसे इसका स्टेम बना लेंगे। और फिर ये जो पत्ती वाला ब्लॉक है इसके ऊपर लगाएंगे और सभी के ऊपर एक एक ऐसे लीफ बना लेंगे। है ना कितना आसान, झटपट से बन जाता है। ये हमारा रेडी हो गया, इसको सूखने के लिए रख देते हैं और फिर हम दूसरे डब्बे को डिजाइन करते हैं। इसके ऊपर में ऐसे कॉटन के बीड्स से लेके ऐसे 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 जो आसमान में दिखते हैं ना तारामंडल में, एट रैंडमली छोटा बड़ा कहीं भी एक पैटर्न बना लेते हैं। ये सूखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा ब्लैक पे गोल्डन कलर। तो ये हमारा रेडी हो गया है कितना इजीली। अब इसको भी हम सूखने रख देते हैं, तीसरे वाले को कर लेते हैं। इसके लिए बहुत ही इजी वे में देखिए उसी बर्ड से एक सर्कल बनाया, एक इसके ऊपर और ऐसे बहुत सारा क्रिएशन कर सकते हैं आप। बहुत ही इजी वे में एक फ्लावर का शेप बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं इसके ढक्कन के ऊपर भी अल्टरनेटिव कर दे रही हूँ सेम, और ऐसे सब तरफ बना ले रही हूँ ऊपर में और फिर ऐसे नीचे में, फटाफट से बनता है ये। ये फ्लावर्स बनाने के बाद से वो जो लीफ वाला ब्लॉक था उसको मैंने ऐसे एट रैंडमली जहां तहां कर दिया और ऐसे सर्कल बना दिया। तो देखा आपने कि घर के ऐसे जुगाड़ के चीजों से ये हमारे फाइव प्लांटर जो तैयार हुआ। ये मैंने पहले ही मेरा डब्बा जो व्हाइट कलर ही का था तो मैं वैसे ही ईयरबड जैसे बना के कॉटन से और ऐसे ही रफली एक डिजाइन बना ली थी इस पे। मैंने सामने मैंने कुछ फेस बनाने का कोशिश किया है, देख रहे हैं आप रफ वो रुई के उससे इतना फिनिशिंग आती नहीं है पर फिर भी चल जाता है। और मेरे ख्याल से तो अच्छा ही दिख रहा है, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। प्लांट लगाना है और टाइम टू टाइम इसको चेंज करना है। और ऐसे डब्बे तो मेरे पास बहुत सारे निकलते हैं मेरे यहाँ, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे से कॉन्टेक्ट भी करें, मैं आपको इस तरह के डब्बे प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छे से आइडिया जुगाड़ वाले आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।